लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। शिवसेना को जोर का झटका देते हुए नामदेव भगत ने आज कांग्रेस में घर वापसी कर ली। प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का फिर से दामन थाम लिया। सूत्रों की माने तो नामदेव भगत को शिवसेना में अपेक्षित पद और प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी, जिससे नाराज होकर ही उन्होंने कांग्रेस में घर वापसी का फैसला किया। हालांकि अभी तक कांग्रेस की ओर से पार्टी में प्रवेश की उनकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उससे पहले ही उनकी घर वापसी को लेकर स्थानीय नेता नाराज हो गए हैं। नवी मुंबई के दबंग नेता और शिवसेना के नगर सेवक रहे नामदेव भगत ने आज उद्धव ठाकरे की पार्टी को राम राम कहते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। सूत्रों ने बताया कि नामदेव भगत ने प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले से सीधे मुलाकात की और बीती शाम पार्टी में प्रवेश किया। इसे नामदेव भगत की घर वापसी माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो नामदेव भगत शिवसेना में अपनी उपेक्षा से नाराज थे। उन्हें वो पद और प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी जिसके वे हकदार थे। बहरहाल उन्होंने कांग्रेस में फिर से लौटने का फैसला किया। हालांकि अभी तक कांग्रेस में उनके प्रवेश को लेकर सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है। बताना जरूरी है कि शिवसेना में आने से पहले नामदेव भगत कांग्रेस के नवी मुंबई जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और सिडको संचालक रह चुके हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में भी एनसीपी कांग्रेस गठबंधन के बावजूद उन्होंने गणेश नाइक का विरोध करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा था। फिलहाल कांग्रेस में घर वापसी के बाद उन्हें जिलाध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें हैं। हालांकि खबर यह भी है कि नवी मुंबई के कई स्थानीय नेता यह नहीं चाहते थे कि भगत दोबारा कांग्रेस में लौटें, लेकिन उन्होंने बेहद खामोशी के साथ पार्टी में प्रवेश कर लिया, जो उनकी रणनीति का संकेत देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।